वे निवेश करने की कला सीख सके, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यह कई टुकड़ों में बट गया है या डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मध्य वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण औसत मध्य वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है, उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्वों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर रहता है, और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड के शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें, इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फायदा हो सकता है, ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्द ही $1,000,000 या इससे ज्यादा हो जाती है, ऐसे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति के पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षता है जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। यह एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न सामान्यतः यह होता है। आप किसी के लिए काम करते हैं, तनख्वाह पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनतों और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। आप सरकार के लिए काम करते हैं, आप इसे देख पाएं इससे पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं, टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दौलत है? संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बंकमिंस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा है। कुछ लोग उसे निम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन दिया था, और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं? यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आकलन किया जा सकता है। मैं अब आकलन कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि आर्थिक रूप से आजाद होने के मेरे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है।
हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती है जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण ले, यह कहे कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम में $1,000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्च हर महीने $2,000 है, मेरे पास कितनी संपत्ति है। अब हम बंक मिस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चलें। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2,000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दौलतमंद जरूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे हर महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके पहले अपनी संपत्ति से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूं तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरिक्त कैश फ्लो को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है, वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है, और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहता हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है।